विगत 4 दिन से लापता हुए एक युवक का शव थाना मझौला क्षेत्र के हर्बल पार्क सेक्टर 10 के पार्क में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक युवक के परिजनों द्वारा सबकी सिरा कर ली गई है। पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए 3 युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र के खुशालपुर प्रीत विहार निवासी 24 वर्षीय युवक आकाश पुत्र किशन लाल, जो एक निजी स्कूल में डांस टीचर बताया गया है, 14 अक्टूबर की सुबह घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। मृतक युवक के भाई विकास द्वारा बताया गया कि उसके भाई को एक फोन आया था और वह फोन से बात करता हुआ घर से निकल गया, उसके बाद वापस नहीं लौटा। काफी समय गुजर जाने के बाद भी जब उनका भाई वापस नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद आ रहा था, तब थाना मझौला में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विकास का कहना है कि अगर पुलिस तत्काल कार्यवाही करती तो शायद उसके भाई की हत्या नहीं होती। विकास द्वारा बताया गया कि बीती शाम मोहल्ले के ही एक युवक द्वारा बताया गया कि मीरपुर मझौली के 3 युवक वरुण भारद्वाज, अजय और राजीव सैनी उसके भाई की हत्या की बात कह रहे हैं, जिस पर विकास द्वारा थाना मझौला को अवगत कराया गया। थाना मझौला पुलिस द्वारा तीनों युवकों को हिरासत में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों की निशानदेही पर मृतक युवक आकाश का शव बरामद कर लिया गया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस द्वारा युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाने पर मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी भी मौके पर पहुंचे और मौजूदा पुलिस अधिकारियों को उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार। ये मृतक जो है आपके कौन है? ये भाई है, छोटा भाई। कब से लापता थे? क्या ये 14 तारीख की सुबह से गायब है, 14 अक्टूबर। क्या कह के घर से निकले थे? ये इनका फोन आया था सुबह को, तो ये फोन पे बात करते हुए निकल गए थे। क्या करते हैं ये? डांस टीचर हैं। तो आज कैसे जानकारी हुई कि सर? आज वो जो जिन लड़कों ने ये जो मर्डर किया है उनसे बात हुई थी एक लड़के की, कि इस लड़के को हमने मार दिया है। उन्होंने बताया कि कंबल डाल दिया इस तरीके से, तो वो अपने घर चले गया। मेरे से बताने की कोशिश कर रहा था, तो फिर वो रात में मेरे पास मेरे घर पे आया, तो उसने मुझे बताया था, तो वो लड़के उठवाए थे। किस तरह से उन्होंने हत्या की? ये इसकी गोली मारी है पीछे कमर में। ये खड़ा था, तो पीछे से गोली मारी है। रंजित चली रंजित इनसे थी, इनसे झगड़ा भी हुआ था पहले एक बार, और ये वो इनसे मुकदमे भी हैं पहले, चोरी के भी हैं, वैसे लड़ाई झगड़े के हैं। और ये जो है ना, वो अच्छा शुरू से अच्छा तरीके से रहता था, क्योंकि डांस टीचर है ये, तो इससे चिढ़ते भी थे वो लोग। ये हाँ जाति सूचक सब कहते थे, जाट का है ये, इस तरीके से रहेगा, बहुत गालियाँ देते थे, तो इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा रंजित रहती है। ये थाना मझौला क्षेत्र में 17 तारीख को आकाश पुत्र किशनलाल, जो प्रीत विहार के रहने वाले हैं, उनके गुमशुदगी की सूचना दी गई थी, जिसमें गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई करी। इसमें संदिग्धों से पूछताछ करते हुए पुलिस ने इस आकाश के 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो इसके 3 दोस्त हैं, अजय पुत्र रतनपाल, वरुण पुत्र सतीश और राजीव सैनी पुत्र चिरंजीलाल, ये सभी थाना मझौला क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्हों पूछताछ के दौरान बताया है कि 14 तारीख को ये लोग हर्बल पार्क गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक एकांत में बैठकर शराब पी, जिसमें मृतक आकाश ने कुछ इनके बहन और परिवार वालों पर कमेंटबाजी करी और आक्रोश में आकर अजय ने तमंचे से गोली मारकर आकाश की हत्या कर दी। इनसे पूछताछ के दौरान में इन्होंने घटनास्थल और इन्हीं की निशानदेही पे आज सुबह शव को बरामद किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम को भी मौके पे बुला लिया गया था, विधिक कार्रवाई पूर्ण करी गई है। इनके पास से एक तमंचा, एक कारतूस 315 बोर, एक होका कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। इसमें जो राजीव सैनी है, इसके ऊपर पूर्व में 14 मुकदमे चोरी और नकबजनी के दर्ज है। ये तीनों ही 22 से 24 वर्ष के उम्र के बीच में है, और इनमें से कोई एक फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता है और कोई मजदूरी में संलिप्त है। सर, ये मुरादाबाद के निवासी हैं या अलग अलग जनपदों से हैं? ये तीनों ही अभियुक्त थाना मझौला क्षेत्र के रहने वाले हैं।